नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से एक नई सुबह के साथ स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती जो 2020-21 में हुई थी। तो इसमें हम देखेंगे हिंदी का प्रश्न पत्र कैसा आया था, हिंदी का प्रश्न पत्र जो मेन एग्ज़ाम था, कौन कौन से प्रश्न आए थे, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, वो जो पेपर था 200 क्वेश्चन थे उसमें, तो उसका ये पहला पार्ट है, तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन उसके हल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर दें। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने एक एक करके सवाल आएंगे, तो इसको हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और देखिए, जो आने वाली भर्ती परीक्षाएं हैं तो कुछ प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं यहाँ पर आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं तो कौन है? चार ऑप्शन है आपके सामने, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जगदीश चंद्र माथुर। तो मिस्टर अभिमन्यु इसके जो रचनाकार हैं, नाटककार हैं, वो है लक्ष्मी नारायण लाल। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुईपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? ए रासो साहित्य, बी जैन साहित्य, सी सिद्ध साहित्य या डी लौकिक साहित्य। तो ये देखिए, जिनके कवियों के अंत में पापा आया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, तो अधिकतर ये किस साहित्य संबंधित हैं? ये सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। तीसरा प्रश्न, शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद हैं? ए दो, बी तीन, सी चार या डी पाँच। तो शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। कौन कौन सी होती है? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीन शब्द शक्तियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, रति, हास, शोक, क्रोध, भय आदि भाव की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत होती है? तो ये क्या होते हैं? अगर आपने रस पढ़े हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं, ये अनुभाव, बी विभाव, सी स्थाई भाव या डी संचारी भाव। तो ये क्या होते हैं? स्थाई भाव होते हैं। पांचवा प्रश्न, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद होगा तो? चार ऑप्शन है आपके सामने, तो कैसे होता है इसका? तो देखिए, प्रत्येक आधा तो और यो, तो सीधे ये कौन सी संधि आपकी? यण संधि। तो इसमें कौन सा है? डी प्रति धन एक। छठा प्रश्न, जहां तक सद सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए यथासाध्य, बी यथाक्रम, सी यथासंभव या डी यथा योग्य। तो आपके पास यहां पर चार ऑप्शन हैं। तो देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं, तो जो हमारा छठा है इसका हो जाएगा ए यथासाध्य। तो आंसर में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। अगला है, विभत्स रस का स्थाई भाव है? ए निर्वेद, बी जुगुप्सा, सी शोक या डी क्रोध। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा अलग तरह का है, बाकी के तो आसानी से हम याद कर लेते हैं, लेकिन इसका थोड़ा अलग है, ये है जुगुप्सा। आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? तो ये उत्तराखंड जीके में भी पूछा जा सकता है, जो ग्रुप सी की परीक्षा होने वाली है। तो ये कौन सी है? ये है पहाड़ पर लालटेन। तो आठवें का हो जाएगा सी। नौवां है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत उत्तराखंड का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? न्योली है, चौमासा है, चांचरी है, तो छह का नहीं है। अगला प्रश्न है दसवां, हाथ कंगन को आरसी क्या? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो देखिए, इसका सीधा आंसर है सी, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्यारहवां प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए, वाक्य शुद्ध अशुद्ध के लिए आपको पूरा वाक्य पढ़ना है और उसमें ध्यान देना है। जो हम बोलते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आप बोल के भी देखें तो आपको खुद ही अगर अशुद्ध वाक्य तो अशुद्धता का अनुभव होगा, और जहाँ पर शुद्ध है तो आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ ये ठीक है। तो इसके लिए कुछ
नियम भी होते हैं वो भी आप जरूर पढ़ लें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 11वीं की तो सीधे हो जाएगा सी। 12वां प्रश्न है, लड़का किताब पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सा पद बंद है, कौन सा है? अब देखिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा डी। तो कौन कौन से इसमें पद बंद हैं, देखिए लड़का हो गया कर्ता, किताब हो गया कर्म, और पढ़ रहा है ये क्या हो गया क्रिया, तो हमारा डी सही हो जाएगा। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है, ये श्रृंगारिक, व्यंगमूलक, सी प्रसिद्धिपरक या कारुणिक। तो देखिए जो कवि भूषण थे तो अधिकतर जो उसमें राजाओं के आश्रय में कवि रहा करते थे तो उनकी प्रशस्ति में ही वो रचनाएं लिखा करते थे, कविताएं लिखा करते थे, तो इनकी अगर हम अंदाजे से ही करें तो भी हम सही कर लेंगे, इनकी होती थी प्रशस्ति परक, यानी कि प्रशंसा की जाती थी राजाओं के, तो ऐसी ये होती थी। तो 13वें का हमारा हो गया सी प्रशस्ति परक। 14वां प्रश्न, गीत फरोश किसकी रचना है, ए भगवती प्रसाद मिश्र, बी गोपालदास नीरज, सी महादेवी वर्मा या डी हरिवंश राय बच्चन। तो गीत फरोश किसकी रचना है, भगवती प्रसाद मिश्र। 15वां प्रश्न, नागार्जुन का वास्तविक नाम है, तो उत्तराखंड ग्रुप सी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई कवियों लेखकों के मूल नाम भी पूछे जाते हैं, तो नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। 16वां प्रश्न, लोकायतन किस विधा की कृति है, ए खंड काव्य, बी प्रबंध काव्य, सी मुक्तक काव्य या डी नीति काव्य। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की ये रचना है लोकायतन, तो ये क्या है, प्रबंध काव्य। 17वां प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ, ए 1934 ईस्वी, बी 1950, सी 1936 या डी 1947। तो कब हुआ था ये प्रथम अधिवेशन, तो ये हुआ था सन 1936 में। 18वां, अष्टछाप के कवियों में किसमें पिता पुत्र का संबंध था, देखिए अष्टछाप का ट्रिक मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, तो उसी में क्या है, एक पिता पुत्र का संबंध है, एक पिता है एक पुत्र है, ये कौन है, कौन से हैं जोड़े हैं, चार हैं आपके सामने, तो यहाँ पर आप बताइए। तो देखिए जिनके, एक थोड़ा सा ट्रिक भी है यहाँ पर, जिनके नाम में ऊ की मात्रा है, अब किस में है ऊ की मात्रा आप देख सकते हैं, केवल दो नाम हैं जिनके उसमें ऊ की मात्रा आपको दिख रही है, कुम्भनदास और चतुर्भुजदास, तो ये दोनों हैं पिता पुत्र। तो ऐसे भी थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से भी आप याद करते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो आपके सामने ही है तो आपको आसानी से ये याद आ जाएगा। 19वां प्रश्न है हमारे पास, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई, ये कबीर, बी गुरु नानक देव, सी सुंदरदास या डी मलुकदास। तो ये कौन थे, गुरु नानक देव। 20वां प्रश्न, रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी प्रश्न, तो किसकी वंदना से रामचरितमानस स्टार्ट की है तुलसीदास जी ने, तो 20वां इसका हो जाएगा हमारा सी, सरस्वती गणेश वंदना से। 21वां प्रश्न, विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो ये तो आपको पता ही होगा और ये कई बार पूछा गया है, ये जीवनी है किसकी, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है ये जो इन्होंने लिखी है, तो 21वां का हो गया बी। अगला है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे, ए प्रताप नारायण मिश्र, बी अंबिका दत्त व्यास, सी बालकृष्ण भट्ट या डी राधाचरण गोस्वामी। तो हिंदी प्रदीप इसके संपादक कौन थे, तो 22वें का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न 23वां है, व्योमकेश दखेस इनमें से किसकी जीवनी है, तो किसकी जीवनी है, ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी फणीश्वरनाथ रेणु। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी। 24वां प्रश्न, इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है, देखिए अलग अलग पूछे जाते हैं वाद, हिंदी काव्य शास्त्र से संबंधित ये प्रश्न है, तो भुक्तिवाद ये किससे संबंधित है, तो 24 का हमारा हो जाएगा बी भट्टनायक। 25वां है, मानव
निकाव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है, यह किसका कथन है? ए अरस्तु, बी प्लेटो, सी लॉन्जाइनस या डी आई ए रिचर्ड्स। तो 25वें का हमारा हो जाएगा ए अरस्तु। अगला प्रश्न है 26वां। सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोंचे ने अभी व्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया? ए 2, बी 3, सी 5 या डी 4। तो 26वें का हमारा ये हो जाएगा डी 4 स्तरों का। 27वां प्रश्न, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो 27वें का हो जाएगा ये सिद्धांत बदलने वाला। तो सिद्धांतहीन जो मनुष्य होता है, बार बार सिद्धांत बदलते रहता है, वो होता है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास वाला लोकोक्ति। निम्नलिखित में से मुहावरा है, देखिए मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। लोकोक्ति किसी लोक उक्ति यानी कि उसके पीछे कोई कहानी छुपी रहती है, मुहावरा के साथ ऐसा नहीं होता। तो मुहावरा कौन सा है इसमें? तो 28वें का आपका हो जाएगा बी भाड़े का टट्टू। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ गलत है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, मुंह छिपाना गायब होना, बी कान भरना, पीठ पीछे शिकायत करना, दांत काटी रोटी गहरी दोस्ती, डी सिर उठाना। तो देखिए साफ पता चल रहा है मुंह छिपाना गायब होना ये गलत है। 30वां, फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो फूक फूक कर पैर रखना आपने सुना ही होगा। तो 30वें का हो जाएगा सी सोच समझ कर या सोच विचार कर काम करना। 31वां प्रश्न, लोकोक्ति के संबंध में इसमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य मतलब गलत है। तो 31वें का हो जाएगा बी लोकोक्ति पूर्ण वाक्य नहीं होती। देखिए लोकोक्ति क्या होती है? पूर्ण वाक्य होती है यानी उसमें पूरा वाक्य होता है। 32वां प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी लिखी जाती है? मराठी। 33वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? तो देखिए हिंदी को राजभाषा घोषित किस अनुच्छेद में किया गया है, वो है 343। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली है खस परजिया, बी पघाई, सी जोहारी या डी सलानी। तो गढ़वाली की जो यहाँ पर उपबोली है तो कौन सी है? तो ये है डी सलानी। 35वां, बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो 35 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सौरसेनी अपभ्रंश। 36वां प्रश्न, निम्न इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र है? ए उन्नाव, बी फिरोजपुर, सी हरदोई या डी जालौन। तो 36वें का हो जाएगा हमारा सी हरदोई। 37वां प्रश्न, गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक कौन है? ए शिवानंद नौटियाल, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल, बी संदीप रावत, डी मोहनलाल बाबुलकर या डी डॉक्टर गोविंद चातक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मोहनलाल बाबुलकर। तो ये प्रश्न आप खासतौर पे आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए भी ये कुछ प्रश्न हैं, याद कर लें। उत्तराखंड की हो सकता है रिपीट भी हो सकते हैं, कहा नहीं जा सकता। किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसे कहा जाता है पहाड़ का प्रेमचंद? तो ये कहा जाता है विद्यासागर नौटियाल जी को। तो 38 का हो जाएगा हमारा ए। 49वां प्रश्न, एनसीईआरटी से पूछा गया है छाया मत छूना मन इस उपन्यास के लेखक हैं? ए हरिसुमन बिष्ट, बी हिमांशु जोशी, सी शैलेश मटियानी या डी सुभाष जोशी। तो 39 इसका आंसर हो जाएगा बी हिमांशु जोशी। 40वां प्रश्न, लीलाधर जगुड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए 2018 का व्यास सम्मान मिला? तो लीलाधर जगुड़ी को व्यास सम्मान मिला था 2018 में, किसके लिए मिला हुआ था? ये मिला हुआ था जितने लोग उतने प्रेम के लिए। 41वां प्रश्न, ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों
की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में कहा है? तो 41वें का हो जाएगा बी, द्विजदेव। 42वां प्रश्न है, साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो देखिए, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आचार्य विश्वनाथ। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न काफी सरल है, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं, यानी कि क्रिया की उत्पत्ति किससे होती है? ए धातु, बी पद, सी कारक या डी समास। तो क्रिया की उत्पत्ति होती है धातु से, इसका ये मूल रूप है। अगला प्रश्न 44वां, ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिक वाद का सिद्धांत है? तो काफी शास्त्र से पूछा गया है, तो ये किससे है? मार्क्सवाद से। 45वां प्रश्न, महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? ए नामदेव, बी ज्ञानदेव, सी गोरखनाथ या डी एकनाथ। तो इसमें किसका आता है? नामदेव जी का। 46वां प्रश्न है, एक काव्य पंक्ति दी हुई है, 200 सगुणों सालंकारों च शब्दार्थों काव्यम, काव्य की परिभाषा दी गई है इसमें। ये तो ये पंक्ति किस आचार्य की है? तो 46वें का हमारा क्या हो जाएगा? सी हेमचंद्र। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा इसका प्रकाशन वर्ष है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है ये रचना। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है कौन सा है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, तो 47वें का हो जाएगा बी, 1936। 48वां प्रश्न, चित्र लेखा किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी प्रेमचंद या डी महादेवी वर्मा। तो ये किसकी है? भगवती चरण वर्मा जी की रचना है चित्र लेखा। 49, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? तो देखिए, ये सदाबहार प्रश्न है हिंदी का, 14 सितंबर 1949, तभी हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि इस पेपर में कुल 200 प्रश्न हैं, तो हम इसी वीडियो में नहीं बल्कि आगे भी इसे कंटिन्यू करेंगे। आज केवल हम 50 प्रश्न लेंगे शुरुआती, बाकी के हम अगले वीडियोज़ में इसको पूरा करेंगे। तो आज का जो अंतिम प्रश्न है हमारे इस पार्ट वन का, तो वह हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो देखिए, हिंदी साहित्य की जो पुस्तकें लिखी गई हैं, एक ना एक प्रश्न बनता है इसमें से। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये किसकी रचना है? तो ये है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना। तो फ्रेंड्स, ये था हिंदी प्रवक्ता भर्ती 2020-21 में जो हुई थी उसका हल प्रश्न पत्र, जो मेंस का एग्ज़ाम था हिंदी का। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल के साथ, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो भी आपके विचार हों वो भी आप देते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर भेंट होगी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।